CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम। वातायनम में आज सुनते हैं ये कार्यक्रम बकस्य प्रतिकारः। बालाः भोबालाः बालाः आगच्छन्तु आगच्छन्तु अत्र। किम् अद्यापि कथां श्रोतुम् इच्छथ? अस्तु अस्तु उपविशन्ताम् उपविशन्ताम्। अद्य तावत् बकस्य प्रतीकारः इत्येनां कथां श्रावयामि, इच्छथ? एकस्मिन् वने नाना पशुपक्षिणः वर्तन्ते स्म। तेषां क्रीडाभिः कलरवैः कूजनैः तद्वनम् उल्लासमयं प्रतिभाति स्म। तत्रैव आस्ताम् एकः बकः, एकश्च शृगालः, इभावपि घनिष्ठमित्रे आस्ताम्। एकस्मिन् प्रातःकाले तात बक नमस्करोमि नमस्करोमि नमस्करोमि। कथय रे शृगाल, कुत्र गच्छसि? अहं तु इतस्ततः परिभ्रमामि एव, त्वं कथय, सर्वं कुशलम्? आम् आम् सर्वं कुशलम्। अयि भ्रात, अस्मिन् अरण्ये न दृश्यते साम्प्रतं तादृशः मैत्रीभावः यादृशः पूर्वम् आसीत्। किं जातम्? न कुत्रचित् मनोरञ्जनं, न गानमस्ति, न नृत्यं, साम्प्रतं तु सः भोजनमपि नैव आयोज्यते। सत्यं वदसि त्वम्, अहमपि इदमेव चिन्तयामि स्म। अरे भोजनस्य तु मे बलवती इच्छा भवति एव, अस्या योजनं करणीयम्। अत्र किम् आश्चर्यम्, अद्यैव आयोजयामि। किं त्वं मया सार्धं भोजनं करिष्यसि? आमाम् अवश्यमेव करिष्यामि। तर्हि एवं कुरु, श्वः मम गृहम् आगच्छ, मिलित्वा तत्रैव भोजनं करिष्यावः। बाढम् अवश्यमेव आगमिष्यामि। श्वः अयं दुष्टः मम गृहे भोजनं करिष्यति, तस्मै स्थाल्यां भोजनं दास्यामि। इस बगुले ने निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन सियार ठहरा महाधूर्त। दूसरे दिन निमंत्रण पाकर बगुला सियार के घर पहुंचता है। सियार बगुले के सम्मान में कलश में खीर खिलाने के बदले थाली में खीर परोस देता है। इस बगुले को किन किन परेशानियों से निकलना पड़ रहा है, आए अब हम उसे सुने। कहा गोत्र भो, अयं वराकस्तु यथा कालमेव आगतः। आगच्छतु मित्र आगच्छतु, किम् एकाकी एव आगतः? आम् भवतु, अद्य क्षीरोदनस्य आयोजनं मया कृतम् अस्ति। किं तुभ्यं क्षीरोदनं रोचते? किं क्षीरोदनम्? अयि तात, क्षीरोदनस्य नाम श्रुत्वा मे मुखं लालाक्लिन्नं जातम् अस्ति। अधुना आवाम अस्यां स्थाल्यां सम्भूय क्षीरोदनं खादावः। किं करोमि, कथं खादामि, कथम् आसीत् क्षीरोदनं भो? अनेन धूतेन वञ्चितोऽस्मि, अहमपि प्रतीकाराय भोजनम् आयोजयिष्यामि। सुस्वादु आसीत्, सुन्दरं मधुरञ्च। इदं सर्वं मम आयोजनम् आसीत्। मित्र, अहमपि श्वः त्वया सह मिलित्वा भोजनं कर्तुम् इच्छामि, किं मे निमन्त्रणं स्वीकरिष्यसि त्वम्? आम् मित्र,
अहं तु भोजनपटुः, तव निमन्त्रणे अतीव प्रसन्नोऽस्मि। आह, तर्हि श्वः सायं आगच्छतु। अहं श्वः यथा कालं सायं तव गृहे आगमिष्यामि। अस्तु, गच्छामि पुनर्दर्शनाय। भोला भाला बगुला, सियार के भोजन का आनंद नहीं उठा पाता, लेकिन उस बगुले ने भी जैसे को तैसा दिखाने का मन बना ही लिया है। बगुला भी सियार को दूसरे दिन भोजन पर बुलाता है। क्या बगुला उसको भोजन खिला पाता है? इसे जानने के लिए सुने आगे की कहानी। मित्र बक, अय मित्र, आगतोऽस्मि, द्वारम् उद्घाटय। ओ, अयम् आगतवान्। भवतु, आगच्छामि, द्वारम् उद्घाटयामि। नमस्करोमि भो श्रीगाल। नमस्करोमि। गृहे तु क्षीरोदनस्य सुगन्धिः प्रसृता अस्ति। त्वयापि क्षीरोदनमेव। आमां, तुभ्यं तु रोचते एव। मित्राय तु मैत्री चिन्तनीया एव। उपविश। अयं वकः अतीव सरलः। अद्यापि सर्वं क्षीरोदनम् अहमेव खादिष्यामि। अरे बक, विलम्बं मा कुरु। बुभुक्षया मदीया स्थितिः चिन्त्या वर्तते। भो श्रीगाल, प्रतीक्षतां तावत्। अहं क्षीरोदनम् आनयामि। शीघ्रं शीघ्रं। अस्मिन् कलशे क्षीरोदनं विद्यते। आवां मिलित्वा खादिष्यावः, स्वादं च गृहीष्यावः। किं करणीयम्? अरे रे, सर्वम् एकाकी एव खादति। न लज्जते रे मूर्खः। अहं दौर्भाग्येन केवलं पश्यामि। अतीव मधुरं, खादित्वा संलपामि। त्वमपि ग्रहणं कुरु। किं करणीयम्? एष धूर्तः प्रतिकारं करोति। अतीव सुस्वादु इदम्, अतीव सुस्वादु। ओहोहो, सर्वं खादितं, न किमपि अवशिष्टम्। अयं तु मित्रतायाः परिणामः, यत् न किमपि अवशिष्टम्। मित्र, मया यादृशः व्यवहारः त्वया सह कृतः, तस्य परिणामः अपि प्राप्तः। साम्प्रतं त्वया अहं सम्यक् प्रबोधितः। मित्रेण सह न कदापि वञ्चना करणीया। इस तरह सियार को अपनी करनी का फल मिल ही गया। तो बच्चों, कभी भी अपने दोस्तों को ठगना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम्, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम् मानवेन सुखैषिणा। दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदम्, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम् मानवेन सुखैषिणा। बकस्य प्रतिकारः। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी और डॉक्टर रंजीत बेहरा, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, प्रमिता प्रभाकर, धनश्री, गवीश द्विवेदी और पंकज मिश्र। ध्वनि अंकन बटी लैंग लिंगडो और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल। निर्माण, निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।